हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार और फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और यहाँ पर हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जीके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके जो भी RRB ग्रुप डी के एग्जाम हो, NTPC हो या फिर SSC के हो, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन आ चुका है, 31 क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले 30 क्वेश्चन जो हैं और आपकी दो पार्ट में अपलोड हो चुके हैं, आप लोग वहाँ पर जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन है, मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि SI पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका आंसर चलिए जान लीजिए, सन 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हमारा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? ये केवल 6 महीने के लिए लागू रहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर गाइज आप सभी लोगों से बता दें कि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम मैं आप लोगों को कर लेता हूँ और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए और जो भी है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कहीं पर नोट कर लीजिए, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आंसर देख लीजिए, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था या फिर किस उपलब्धि में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलब्धि को प्राप्त करके बनवाया था? तो यहाँ पर गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप सभी लोगों के लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो वायुमंडल की 29 किलोमीटर ऊंचाई तक 97% आपका वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर दक्षिण मानसून की किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून ये किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो आप सभी लोगों का इसका आंसर पता रहना चाहिए, केरला। केरला आपका दक्षिणतम राज्य है, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरला में प्रवेश करता है, और जो केरल है दक्षिण पश्चिम राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पीछे आ चुका है कुछ एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। तो हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है अंटार्कटिका में, साउथ पोल में स्थित है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में स्थित है ONGC का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? ये दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जीता है? ये जीता है ब्राज़ील ने। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट नोट करना है, किस देश की टीम ने विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट किया था। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में आपको आंसर मिल गया होता। अब आपसे पूछते हैं आज का क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करना है, राइट आंसर में बताना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।